तो हेलो यार, ये राइडिंग ऑन द एज ऑफ एलिनेशन का एपिसोड 3 है। अगर इससे पहले के एपिसोड नहीं देख रहे तो क्या कर रहे हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक के जल्दी जाके देखो। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में शो वहां पहुंचता है जहां उसी के जैसे प्लेयर्स होते हैं। उनमें से एक प्लेयर कहता है कि मुझे तो लगा था आज 20 लोग आने वाले हैं, पर तुम तो बस एक ही हो, क्या बाकी के लोग मर गए हैं? शो ये बात सुन के कहता है कौन लोग। तभी शो के कंधे पे कोई हाथ रखता है और कहता है मुझे तो लगता है तुम नए प्लेयर हो, तुम्हारा फर्स्ट गेम कैसा गया? तभी शो के कुछ कहने से पहले ही वो बंदा कहता है कि मेरा नाम जियांग है और मैं तुमसे कुछ 15 दिन पहले ही आया हूँ। शो ये बात सुन के कहता है ओ तो ये लोग भी प्लेयर हैं, पर हम यहाँ पर इकट्ठा क्यों हुए हैं? इसका जवाब देने के लिए जियांग कहता है कि हमें पहले कोई दूसरी जगह जाके बात करनी चाहिए। तभी शो कहता है तो जियांग तुम भी यहाँ इसलिए हो क्योंकि तुमने वो 5 मिनट तक गेम खेला था, है ना? पर यहाँ पर ये जगह है कौन सी? तभी जियांग कहता है कि ये ऐसी जगह है जहाँ पर गेम्स खेले जाते हैं, पर यहाँ पर जान दाव पे भी लग जाती है। वैसे तुम क्या एज एसोसिएशन के बारे में जानते हो? तभी शो कहता है मैं मजबूरन हर एक दिन कोई ना कोई काम करने के लिए मजबूर हूँ, इसलिए मैं ऐसी चीजों के बारे में नहीं जानता। तभी जियांग कहता है कि ये एक शानदार कंपनी है, लेकिन तुमने इसके बारे में नहीं सुना, एज इंडस्ट्री दुनिया भर का आधा हिस्सा खरीद सकती है। तभी शो कहता है अब तक मुझे याद है जिस आदमी ने मुझे पैसों के लालच में यहाँ भेजा था उसकी टी शर्ट पे भी एज इंडस्ट्री का ही लोगो बना हुआ था। तभी जियांग कहता है कि तुम अपनी वॉच पे ये मैसेज देखो। तभी शो कहता है ये रिस्ट बैंड किसके लिए है? शो की आंखें खुली रह जाती है क्योंकि जो उसकी कमर पे डॉल होती है वो उसकी आंखों के सामने होती है और उससे हाय कह रही होती है। वो डॉल शो को कहती है कि एरेना में तुम्हारा स्वागत है शो, कई प्लेयर्स की तरह तुम्हें भी जिंदा रहना होगा। जैसे जैसे गेम आगे बढ़ेगा वैसे वैसे तुम्हें अपग्रेड के लिए पॉइंट्स इकट्ठा करने होंगे, क्योंकि लास्ट में जो प्लेयर बचेगा उसको एज इंडस्ट्री का टोटल पैसा मिल सकता है। और इस गेम का एक रूल है, अगर तुम गिव अप कर देते हो तो वहीं तुम्हें मार दिया जाएगा, अगर तुम इस गेम को लास्ट तक खेलोगे तो बहुत अच्छा होगा। वो डॉल शो के सामने से गायब हो जाती है। तभी शो कहता है बहुत पैसा? जियांग तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम ये इतना पैसा ले पाओगे? इसके जवाब में जियांग कहता है कि मुझे नहीं पता कि लास्ट तक मैं खेल पाऊंगा या नहीं। ये देखो यहाँ पर पूरे 7 लेवल है, अगर तुम्हें पूरा पैसा जीतना है तो तुम्हें गेम्स खेलने होंगे और गेम्स खेलने के लिए तुम्हें लेवल अप करना होगा और लेवल अप पॉइंट से होगा। हालांकि जैसे जैसे तुम जीतते जाओगे वैसे वैसे गेम हार्ड होते जाएगा और अगर तुम हार्ड गेम नहीं खेल पाए तो वहीं तुम्हें मार दिया जाएगा। और वैसे यहाँ गेम खेल के पॉइंट्स जीतने का भी बहुत मुश्किल है क्योंकि यहाँ खाना भी पॉइंट्स का आता है, वो यहाँ पर एक पैसे की तरह है और यहाँ पर प्लेयर को जितना खाना मिलना चाहिए उतना ही है, उससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हें खाने के लिए यहाँ लड़ना होगा। और हाँ, तुम्हें ये भी याद रखना होगा कि तुम सारे पॉइंट्स खर्च कर दोगे तो तुम्हें ये लोग फिर मार देंगे। यांग की ये बात सुन के शो कहता है पर गेम का इनाम भी तो बहुत प्रीशियस है और इसके लिए इतना मुश्किल गेम तो होगा ही, क्योंकि पहले जो मैंने गेम खेला था उसमें तो मैं थोड़ी देर के लिए मर ही गया था। मेरी बहन वहाँ हॉस्पिटल में है, अगर मैं ये गेम छोड़ दूंगा तो क्या मुझे ये जाने देंगे? ये जगह है क्या? अभी वहाँ पर एक लड़का था जो कहता है कि मैं यहाँ रोज भूखा रहता हूँ और यहाँ मॉन्स्टर्स भी है, क्या मैं ये वॉच हटा दूंगा तो मैं बच जाऊंगा? और वो बचा तो नहीं, फट जरूर गया और उसकी वहाँ मौत हो गई। जो ये सब देख के शॉक हो जाता है और तभी जो कहता है कि ये गेम इस टाइप का है कि तुम्हें इसे खेलना ही पड़ेगा, अगर तुम नहीं खेलोगे तो तुम्हारी इसी तरह मौत हो जाएगी। अभी शो कहता है अब सच में गेम से बाहर निकलने की सोच भी नहीं सकता। यांग कहता है कि शो तुम्हें मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा वरना आगे आने वाले गेम में तुम हार भी सकते हो। अभी शो जियांग से बोलते हुए तुम मुझे इतना क्यों बता रहे हो, मैं तो अभी नया प्लेयर ही आया हूँ, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? जियांग कहता है कि मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो बस एक पावरफुल दोस्त बनाना चाहता हूँ। तुम यहाँ मुझे लगते हो सबसे ज्यादा पावरफुल क्योंकि तुमने अपने फर्स्ट गेम में अपनी पावर को ज्यादा दिखाया है। शो कहता है मुझे उम्मीद नहीं थी कि यहाँ पर मेरी फाइट का लाइव टेलीकास्ट होगा। वैसे ये सिस्टम स्किल है क्या? इसके जवाब में जियांग कहता है कि सिस्टम स्किल, मैं तुम्हारी बात समझा नहीं। वो कहता है तुमने मेरा गेम देखा पर तुम सिस्टम स्किल के बारे में नहीं जानते, इसका मतलब मैं यहाँ अकेला हूँ जिसके पास ऐसी पावर है, मुझे ये और लोगों से नहीं पूछना चाहिए। यहाँ पर सायरन बजता है कि अभी यहाँ पर सबसे मिलने का टाइम खत्म हो चुका है, सभी अपने कमरों में चल जाओ क्योंकि अब ये बंद होने वाला है। जो शो को बताता है कि एक ऐसी जगह है जहाँ पर सब मिलते हैं एक साथ सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक, वैसे मेरे पीछे आओ मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा देता हूँ। वो कहता है ठीक है और वो आगे बढ़ने लगते हैं। तभी शो कहता है आगे चल के अगर अभी तक गेम नहीं छोड़ सकते तो मैं इस गेम की पूरी चीजें जानना चाहता हूँ जिंदा रहने के लिए। जियांग कहता है तो मैंने सोचा था तुम तो उससे भी ज्यादा शांत हो, मुझे तो ये एक्सेप्ट करने में बहुत टाइम लगा था कि अगर मैं ये गेम छोड़ दूंगा तो मर जाऊंगा, मुझे ये गेम खेलना ही होगा। चलो यार एपिसोड 3 यहीं एंड होता है। और हाँ, इतना वीडियो आने में इसलिए टाइम लग गया क्योंकि अभी मेरे एग्जाम्स चल रहे जो कि
20 दिसंबर को खत्म होंगे, तो उसके बाद वीडियो पक्का आएगी। और थैंक यू 500 सब्सक्राइबर के लिए, बाय।